अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रही हूँ वो हमें मॉर्निंग शो में रोज़ दिखाई देती हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। इससे पहले वो हमें ड्रामा इंडस्ट्री में भी दिखाई देती थी। उनके ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मॉर्निंग शो ज्वाइन कर लिया और अब वो काफ़ी सालों से मॉर्निंग शो ही करती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद भी वो अब तक बहुत ही ज़्यादा जवान और खूबसूरत दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। निदा यासिर के साथ साथ अगर बात की जाए उनकी बेटी की जो है सिला यासिर, लोगों का कहना है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरियाँ करवा रखी हैं, क्योंकि अगर उनकी पहली तस्वीर के साथ अब की तस्वीर का मुआवजा किया जाए अब वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं, जबकि बचपन में वो इतनी खूबसूरत दिखाई नहीं देती थी। निदा यासिर बहुत कम अपनी बेटी के साथ अपनी तस्वीर को शाया करती हैं। अगर वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी बेटी के साथ या उनकी अकेली की तस्वीर शेयर भी करें तो वो कुछ दिनों बाद उसको हटा देती हैं, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हैं और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हैं। लोगों का कहना है कि वो प्लास्टिक सर्जरियां करवाती हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। साथ ही साथ लोगों का कहना है कि निदा यासिर जो विग लगाती हैं वो बहुत ही रियल दिखाई देती है और दिन ब दिन लोग उनकी पर्सनैलिटी से और ज़्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। इस सब के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।